क्या उम्र हुई है आपकी? 12 साल। 12 साल पर जो ये कह रहे हैं कि राम नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, उनको हम कह रहे हैं, जो राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हिंदू राष्ट्र जरूरी है बनना देश को? जी जी, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है, अनिवार्य भी है। गुरुकुल बनना चाहिए जी। अगर गुरुकुल और संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा, और कैसे पता चलेगा कि हाँ राम जी ऐसे थे, उनका उच्चार कैसे किया जाएगा, मंत्र का उच्चार कैसे होगा। हिंदू राष्ट्र में कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुसलमान है उनको देश से बाहर कर देंगे, क्या इस प्रकार की भी धारणाएं हैं? नहीं, अगर वो भाई तरीके से रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन भाई तरीके से नहीं रहना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि कार सेवकों पे उस समय में जो गोली चला था वो सही चला था, लॉ एंड ऑर्डर जो है सो बरकरार रखने के लिए गोली चलाई गई थी, आप कैसे देखते हैं? ये गलत चीज़ है, किसी भक्त पर गोली चलवाना ये गलत भावना है, गलत चीज़ है ये। अभी उनको खड़िया कर उनके ऊपर गोली चलवाया जाए कैसे लगेगा? अच्छा, उनके ऊपर भी चलनी चाहिए और क्या, जब वो दूसरों के ऊपर चलवा सकते हैं तो उनको ऊपर भी चलनी चाहिए जो राम का विरोध कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम मंदिर बन रहा है तो इसे फायदा क्या मिलेगा, क्या रोजगार मिलेगा, क्या महंगाई जो है वो कंट्रोल में आएगा, इस प्रकार का बात जो है वो नेता लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर बनने पे। इतनी मस्जिद बन रही है वहाँ से क्या लाभ हो रहा है? ये राम जी का कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये 180 करोड़ देश जनता की कार्यक्रम है, यहाँ सभी साधु श्रद्धालुओं का कार्यक्रम है, वो नहीं आना चाहते हैं तो उनकी सोच गलत है। पर जनता को ये मत कहें कि बीजेपी का कार्यक्रम है। इसी संत के धरती से हमारे साथ हैं एक बाल संत, बाल महंत। हम उनसे बात करेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद किस प्रकार से अयोध्या की कायाकल्प जो है वो पलट गई, और फिर राम मंदिर बनने के बाद से जो है अयोध्या किस प्रकार से तैयार है रामलला के स्वागत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बाल महंत जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है 99 खबर पे। जय हनुमान जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। बढ़िया है, कितने खुश हैं अयोध्या, कितनी खुश है रामलला के स्वागत में? अयोध्या बहुत खुश है, हम सब लोग बहुत भावुक हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे में जब अयोध्या में रामलला पधारने वाले हैं तो बहुत सारे नेताओं को जो है वो यहाँ का निमंत्रण भी भेजा गया, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नेता जो हैं जो विपक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को रामलला नहीं आ रहे हैं इसलिए हम लोग भी नहीं जाएंगे। रामलला नहीं आ रहे हैं? हाँ नहीं, रामलला जी आ रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, उनको नहीं पता है क्या ये चीज? लालू यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका कहना है कि भगवान राम हमारे सपने में आए थे और वो कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, अयोध्या नहीं जा रहे हैं। तो भगवान हो गए, भगवान उनके सपने में आ रहे हैं? हाँ। ये उनकी गलत सोच है और वो नहीं आना चाहते हैं, वो ना आए, पर जनता को भड़काए मत। जनता को मत भड़काए। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे नेताओं को भी जो है सो जिसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जब उनको निमंत्रण भेजा गया तो वो निमंत्रण को ठुकरा दिए और वो कह रहे हैं कि अगर यदि वो एक धार्मिक आयोजन हो तो मैं जाता, वो एक राजनीतिक प्रपंच हो रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा उसमें। नहीं, ये गलत बात है, ये राम जी का कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये 180 करोड़ देश जनता की कार्यक्रम है, यहाँ सभी साधु श्रद्धालुओं का कार्यक्रम है, वो नहीं आना चाहते हैं तो उनकी सोच गलत है। पर जनता को ये मत कहें कि बीजेपी का कार्यक्रम है। वो तो पूरा कह रहे हैं कि अगर यदि राम मंदिर का उद्घाटन करना होता तो राम मंदिर पूरा बन जाता तब करते, ये तो सनातन के हिसाब से राम मंदिर का उद्घाटन हो ही नहीं रहा है इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, ये सनातन का अपमान है अभी राम मंदिर का उद्घाटन करना। श्री राम भद्राचार्य जी महायज्ञ करा रहे हैं। हाँ। इतने बड़े वो हैं, वो करा रहे हैं, वो कुछ है तभी तो करा रहे हैं जी। तो मतलब सनातन के हिसाब से ही मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? जी, सनातन के हिसाब से हो रहा है मंदिर का उद्घाटन, और सबके मतों से नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी कुछ दूसरा कहें, सोनिया गांधी जी अपने मतलब समय पे कहें, राहुल जी अपने समय पे कहें, तो सबके समय पे नहीं हो पाएगा, समय एक होता है, उसी समय पे होगा 22 जनवरी को। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे, बीजेपी के लोग बुलाएंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे। तो नहीं, बीजेपी नहीं बुला रही है, राम जी जाएंगे तो नहीं बुलाने, उनको सपने में तो आते हैं उनके कृष्ण जी, तो राम जी सपने में नहीं आए, कैसे नहीं आए, इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं, सपने में आते हैं भगवान जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, रामलला का भव्य मंदिर है, उससे अयोध्या में विकास का कार्य जो है वो कैसा हो रहा है? विकास भी बहुत तेज हो रहा है, यहाँ सड़क नाली और खंजा रोड और मकान मंदिर आश्रम तालाब सब चीज का मरम्मत हो रहा है,
सुंदरीकरण हो रहा है, स्वच्छता भी बहुत विशेष है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो इसे फायदा क्या मिलेगा, क्या रोजगार मिलेगा, क्या महंगाई जो है वो कंट्रोल में आएगा, इस प्रकार का बात जो है वो नेता लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर बनने पे। नहीं, महंगाई भी कम हुई है, कम महंगाई कम होगी। क्या फायदा हो रहा है, कौन सा वहाँ सेवा का जी, वही चीज, इतनी मस्जिद बन रही है वहाँ से क्या लाभ हो रहा है हमारी? तो अच्छा, मस्जिद से कोई लाभ नहीं है। राम मंदिर बन रहे है, ये जनता का पैसा है और सभी राम भक्तों का पैसा है जी। अच्छा, तो ऐसे में एक नेता है, मुस्लिमों के नेता है, वो वैसी, वो तो कह रहे हैं कि हम कभी भी राम मंदिर नहीं भूलेंगे, हमारे दिल में जो 100 साल से ज़्यादा तक भी जो है सो ये बाबरी जिंदा रहेगा, हम बाबरी कभी नहीं भूलने वाले, हम अपने आने वाले बच्चों को भी बताएंगे। नहीं नहीं, वो भड़काऊ भाई जान है, उनका नाम भड़काऊ भाई जान है, और भड़काऊ वाला बयान ही भूलेंगे। वो भड़काऊ बयान दे रहा है जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनने के बाद जो है सो नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, इससे हम राम भक्त, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि हम नहीं कहलाएंगे, अगर हम 23 को भी जाएंगे तो राम भक्त कहलाएंगे, लेकिन हम 22 को किसी हालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। नहीं, ये उनकी सोच है भाई, हम इस पे नहीं कुछ कह सकते हैं, पर उनका जब इच्छा करे तब वो राम दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप कह रहे थे कि जो राम मंदिर नहीं आएंगे तो उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्या वो राम मंदिर नहीं आएंगे तो सही में पाकिस्तान आप भेजना चाह रहे हैं उन लोगों को? नहीं, हम नहीं भेजना चाह रहे हैं, पर जो ये कह रहे हैं कि राम नहीं, राम का अस्तित्व नहीं है, उनको हम कह रहे हैं, जो राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब वो राम के अस्तित्व को मान ही नहीं रहे तो उनको इन्विटेशन कार्ड देना या फिर निमंत्रण देना सही थोड़ी ना है, तो उनको भेजा ही क्यों गया? अभी निमंत्रण ना दिया जाता तो ये कहते कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, सब बीजेपी कार्यकर्ता है इसमें, अब निमंत्रण मिल रहा है तब ये ऐसा बोल रहे हैं, ये भड़काने वाला काम कर रहे हैं, बस भड़काने वाले काम कर रहे हैं। अच्छा संत जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पंडितों का इससे फायदा होगा और किसी का कोई फायदा नहीं होगा? यहाँ देश विदेश की जनता नहीं आती थी, जनता आ रहे हैं, सब भगवान के सेवक हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पंडितों का क्या फायदा होगा इसमें? कह रहे हैं कि वही पूजा करेंगे और वही जो है सो प्रसाद भी खा जाएंगे, वही चढ़ावा भी खा जाएंगे। ये सब गलत बात है, ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानियां है। राम मंदिर इतना बन भव्य तैयार हो गया, इसका श्रेय किसको देंगे आप? योगी जी को, मोदी जी को, यहाँ के जितने साधु संत हैं और सभी भाइयों को। ऐसे में सपा के नेता हैं वो एक नहीं नहीं जो उनके नेता है जो सनातन को गाली भी देते रहे, और उनका ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि कार सेवकों पे उस समय में जो गोली चला था वो सही चला था, लॉ एंड ऑर्डर जो है सो बरकरार रखने के लिए गोली चलाई गई थी, आप कैसे देखते हैं? ये गलत चीज है, किसी भक्त पर गोली चलवाना ये गलत भावना है, गलत चीज है ये, अभी उनको खड़िया कर उनके ऊपर गोली चलवाया जाए कैसे लगेगा? अच्छा, उनके ऊपर भी चलनी चाहिए और क्या, जब वो दूसरे को पर चलवा सकते हैं तो उनको पर भी चलनी चाहिए जो राम का विरोध कर रहे हैं जी। राम मंदिर बनने से क्या लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो है ये नींव है, हिंदू राष्ट्र का नींव लग रहा है राम मंदिर से, अब ये हिंदू राष्ट्र की ओर जो है सो देश अग्रसर हो चुका है जी जी। हिंदू राष्ट्र होगा बहुत जल्द होगा, जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे हिंदू राष्ट्र भी होगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र जरूरी है बनना देश को? जी जी, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है, अनिवार्य भी है। क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा देश को? हिंदू राष्ट्र एक गर्व से कह सकते हैं हम कि हिंदू हैं। तो अभी मतलब कहने में कुछ बुराई है, नहीं कह सकते हैं क्या अभी? अभी नहीं कह सकते, भी सब लोग कहते हैं हम ये हैं, हम वो जाते हैं, हम वो जाते हैं, जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो कोई जात नहीं कहेगा, कहेगा हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो जात जो है सो वो खत्म हो जाएगा हिंदू राष्ट्र होने से। हिंदू राष्ट्र में कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुसलमान है उनको देश से बाहर कर देंगे, क्या इस प्रकार की भी धारणाएं हैं? नहीं, अगर वो भाई तरीके से रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन भाई तरीके से नहीं रहना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। भेज दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल तैयार है आप? हम तो तैयार हैं, पर सरकार तैयार हो ना। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार तैयार होंगे, क्योंकि काफी लोग सुन भी रहे हैं, और आपका जो वीडियो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह वायरल हो रहा है। आपने अपने इंटरव्यू में सारा बात जो है क्लियर कर दिया, लेकिन एक दो चीजें जो है वो बच रही थी, क्या यहाँ पे अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है इसके आसपास जो भी गुरुकुल है उसका नवीनीकरण होना चाहिए, क्या जो पढ़ाई लिखा है वो गुरुकुल के माध्यम से चलाना चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि गुरुकुल अगर यदि रहेगा तो हम चांद पे नहीं पहुंच पाएंगे, गुरुकुल का भी विरोध एक तरफ हो रहा है राम मंदिर बनने के साथ साथ, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, वहाँ संस्कृति मतलब पढ़ाई जाती है, संस्कृति बारे में बताया जाता है, गोकुल होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए और पढ़ाई भी सही तरीके से होनी चाहिए।
गुरुकुल बनना चाहिए जी। अगर गुरुकुल और संस्कृत नहीं पढ़ेगा व्यक्ति तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा और कैसे पता चलेगा कि हाँ राम जी ऐसे थे, उनका उच्चार कैसे किया जाएगा, मंत्र का उच्चार कैसे होगा। राम मंदिर विरोध में, राम के विरोध में लोग ये कह रहे हैं कि राम मांसाहार थे, मांसाहारी करते थे, मांस खाते थे। हमने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा कि राम मांसाहारी थे, मांस पाते थे। शिकार एक बार खेलने गए थे मान सकते हैं, पर मांसाहारी नहीं थे। तो राम विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो विरोधियों को ये संदेश देना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, अगर राम शरण में आप आ जा रहे हैं और मस्तक टेक रहे हैं, आप राम को मान रहे हैं, तो आपका उद्धार होगा। उद्धार हो जाएगा जी। जैसे रावण का हो गया था जी, तो रावण का जैसे उद्धार हो गया था, तो अभी क्या लग रहा है किन किन लोगों का उद्धार होगा? जो जो राम के शरण में आएंगे उनको सबका उद्धार होगा। 2024 का चुनाव नजदीक है, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर को चुनावी एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर पे वोट नहीं मांगना चाहिए। तो कौन सा कौन कौन व्यक्ति वोट मांग रहा है राम मंदिर का? कह रहे हैं बीजेपी मांग रहा है कि मंदिर हमने बनाया हमको वोट दो। नहीं ये बात नहीं है, मंदिर हमने बनाया वोट दो, मंदिर हाँ उनके थोड़ा सा उनका भी योगदान है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ उन्हीं को लाएंगे जी। तो कह तो रहे हैं कि जो राम को लाने में कांग्रेस का भी योगदान रहा है। कांग्रेस तो क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस फिर? क्यों नहीं आ रही है? जनता को जो है सो बीजेपी अपने तरफ खींच ले रही है, इसलिए नहीं। ये सब जनता खुद खींच जा रही है बीजेपी तरफ से, बीजेपी नहीं खींच रही जनता जी। जो सनातन का काम करेगा, सनातन धर्म बढ़ाएगा, धर्म प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, वही सब कुछ है, वही देश का चालक पालनहार है, वही पालनहार है देश का। योगी जी और मोदी जी को मुसलमानों का विरोधी कहा जाता है, इसके बारे में क्या राय है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जल्दी में हमने योगी जी का डिबेट देखा था, वहाँ भी मुस्लिम भाई गए थे, वो जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे जी। अच्छा यहाँ पे आपने कहा कि गुरुकुल बनना चाहिए और बीजेपी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या अयोध्या में जो है जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए जो पढ़ाई की व्यवस्था है, क्या मदरसा यहाँ और बनना चाहिए अयोध्या में? जो मदरसा है वही टेंटमेंट कर दिया जाए, वही सुरक्षा उसको बढ़िया बढ़ा दिया जाए, वही ठीक है। तो और आगे बनाने की जरूरत नहीं है जी? आगे मतलब अगर आवश्यकता है तो बनाइए, आवश्यकता के हिसाब से होता है ना। एक आखिरी सवाल है बाल महान जी कि क्या मतलब कि आप आगे महंत ही बने रहेंगे, क्या मतलब क्या चीज देख रहे हैं, क्या योगी जी किस तरह राज्य चलाना है, कहाँ तक देख पा रहे हैं आप अपने करियर? नहीं नहीं बस हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी के शरण में रहेंगे, और अगर उसके बाद अगर हमको समय मिल रहा है तो जनता सेवा जरूर करेंगे। कई लोग कह रहे थे कि आपको रामायण जो है सो उसकी भी बहुत कंठस्थता है, आप अपने अध्ययन में पढ़ रहे थे, तो आप अभी आप खुद कहाँ से? अभी कर्मकांड सीख रहे हैं, स्थिति यादें चल चल से अभी सीख रहे हैं जी। अच्छा तो अभी आप सीख ही रहे, मतलब अध्ययन चल रहा है आपका? जी अध्ययन चल रहा है। कब तक जो है सो आप वो हो जाएंगे, मतलब पूरा ट्रेंड हो जाएंगे? तो गुरु जी बताएंगे, गुरु जी के ऊपर है। अच्छा इतने कम उम्र में, क्या उम्र हुई है आपकी? 12 साल। 12 साल जी। और कब से सीख रहे हैं ये सब चीज? मतलब पढ़ाई तो 2 साल से चालू हुई, बाकी मैं 4 साल से अयोध्या में। 4 साल से अयोध्या में है। एक मंदिर के तरफ भगवान के तरफ एक मैं जो ये आस्था है, ये खुद ही आया या परिवार के लोगों ने बताया कि ऐसे? नहीं कुछ परिवार के लोग, कुछ देख कर, कुछ खुद से आया, और कुछ कृपा हुई हनुमान जी की, श्री सीताराम जी महाराज का। हाँ जी। आपके तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी के? ये मतलब जैसे दीपावली मनाया जाता है वैसे हम सब लोग 22 जनवरी को दीपावली तरीके से उससे भी भव्य बनाना चाहते हैं, उससे भी भव्य मनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। जय श्री राम।